हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें जो राजधानी दिल्ली से, दिल्ली में कोर्ट में फायरिंग को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और जानकारी ये मिल पा रही है कि फायरिंग हुई है 30,000 कोर्ट में, दिल्ली के 30,000 कोर्ट में फायरिंग को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। और इस बारे में अपने सहयोगियों से और जानकारी लें, उससे पहले आपको बता दें इस वक्त ये खबर मिल पा रही है कि किस तरीके से कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है। हालांकि कोर्ट परिसर के पास किस तरीके से इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है इस बारे में और जानकारी अभी हम आपको देंगे, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर मिल पा रही है कि किस तरीके से कोर्ट कैंपस में यानी कोर्ट परिसर में ही दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में 30,000 कोर्ट में फायरिंग को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। इस बीच वकीलों के बीच फायरिंग की यह घटना हुई है। बता दें आपको, वकीलों के बीच आपसी झगड़े का यह नतीजा बताया जा रहा है जिसके बाद फायरिंग हुई है परिसर में और किसी के फिलहाल घायल होने की खबर नहीं है। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है और ये कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आ चुकी हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस बारे में और जानकारी देंगे। जितेंद्र और विवेक भी इस बारे में हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या खबर 30,000 कोर्ट की फायरिंग को लेकर? जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र बताएं, दिल्ली की 30,000 कोर्ट में हुई फायरिंग के बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन एक घंटे पहले की ये घटना है। 30,000 कोर्ट में वकीलों के दो गुट आमने सामने थे, दोनों के बीच झड़प हुई और उसी झड़प के दौरान एक गुट की तरफ से फायरिंग की गई है। गोली चलाते हुए साफ तौर पर वकील देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है जो घटना है वो दरअसल 30,000 कोर्ट के ठीक बराबर में जो एडवोकेट चैम्बर बने हुए हैं उसका जो वेस्टर्न विंग है वहां पर ये झगड़ा शुरू हुआ और उसी झगड़े के दौरान अचानक से एक एडवोकेट अपने अपने पॉकेट से पिस्टल निकालता और उसके बाद गाली गलौज करते हुए हवाई फायरिंग करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो हालांकि इस मामले की जो जानकारी है और जो वीडियो है वो पुलिस के पास भी मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है, लगातार पूछताछ की जा रही है। फायरिंग की किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नजर बनाए रखे। लेकिन एक क्विक अपडेट दे देते हैं, 30,000 कोर्ट में कोर्ट के पास बिल्कुल जो वकीलों का चैम्बर है, हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे हैं तस्वीरें भी सामने है, वकीलों के बीच कहासुनी हुई, झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि फायरिंग तक कर दी गई। हालांकि इस फायरिंग में कोई भी घायल नहीं हुआ है, मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है।